इस मेनू के माध्यम से हम हेडर फुटर को इंसर्ट करते हैं। हेडर क्या होता है उसको समझो थोड़ा सा। ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हेडर, और जो नीचे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फुटर, बीच के पार्ट में हम इसको बोलते हैं बॉडी। ख्याल रखना इस बात का, ठीक है। हेड मतलब ऊपर, फुट मतलब डाउन, सिंपल सी बात है। तो ये जो होता है ये होता है इंसर्ट मेनू में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, लिखा टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द मेनू एंड चूज सिंबल। इनमें से किस ऑप्शन किस मेनू में हम जाते हैं जहां से हम सिंबल को इंसर्ट करते हैं। सिंबल इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड का, ठीक है ना। इंसर्ट मेनू में जाएंगे वहां से हमें सिंबल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड इज यूज टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डॉक्यूमेंट। इनमें से किस ऑप्शन के माध्यम से हम किसी डेटा को मूव करते हैं एक स्थान से और पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कट एंड पेस्ट, यानी कंट्रोल एक्स होता है कट और कंट्रोल वी से होता है पेस्ट, ठीक है। आप मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, और डाउनलोड करोगे वो चीज आप देख नहीं पाओगे पता नहीं, लेकिन एक चीज क्या लगना कि जब भी देखा करो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो वो आपको हेल्प करेगा। स्क्रीनशॉट लेकर क्या पढ़ लिया करो बाद में आराम से। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इज एन ऑप्शन इन फॉन्ट ग्रुप, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फॉन्ट ग्रुप में शामिल है। अगर स्ट्रिक्ट थ्रो की बात करें तो ठीक है हाँ है, रिप्लेस की बात करें तो ये एडिटिंग वाले ऑप्शन में है, ठीक है, और ये फाइंड की हम बात करें तो फाइंड कंट्रोल एफ होता है और ये भी एडिटिंग में है, चेंज स्टाइल इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला स्टिक थ्रो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ग्राफिक सॉल्यूशन के लिए वर्ड एमएस वर्ड में यूज किया जाता है। टेबल का यूज नहीं, रिप्लेस बिल्कुल नहीं। देखो वर्ड आर्ट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, किसी भी सिंपल वर्ड को 3D वर्ड बनाने के लिए, रिफ्लेक्शन देने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हम मूवमेंट देने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड आर्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, द सेव एज अलाउ, इनमें से किस ऑप्शन के माध्यम से हम किसी भी कंटेंट को सेव करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो हम यूज करते हैं कंट्रोल एस। F12 क्या होता है, F12 का यूज हम करते हैं, ठीक है, F12 का यूज हम करते हैं किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए, यानी सेव एस के लिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि बुलेट एंड नंबरिंग इन इस टैब, जो बुलेट नंबर होता है वो होता है होम टैब में, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा होम टैब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, टू ओपन अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द एंड द सेलेक्टेड ओपन। इनमें से किस ऑप्शन के माध्यम से हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब जो ऑलरेडी आपने सेव करके रखा। हम कहां जाते हैं, एमएस ऑफिस जो होता है हमारे पास ना, ऑफिस बटन क्विक एक्सेस टूल बार में और डॉक्यूमेंट व्यू में रिबन में, तो हम जाते हैं ऑफिस इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी ऑप्शन जाते हैं, एमएस ऑफिस बटन में। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कट कॉपी एंड पेस्ट इज इन ग्रुप इन द होम टैब। होम मेनू में जो कट कॉपी पेस्ट होता है वो किस सेट में होता है, तो वो होता है, देखिए ये होता है क्लिपबोर्ड में। फॉन्ट में फॉन्ट का पूरा पूरा स्टाइल होता है, पेज सेटअप में पेज का पूरा सेटअप होता है, ये पेज लेआउट के अंतर्गत होता है। एडिटिंग की बात करें तो ये जो होता है होम मेनू में जहां पे फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है वो है क्लिपबोर्ड, ये वाला आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अब ले लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वॉइस वर्सा। इनमें से किस ऑप्शन के माध्यम से हम किसी केस को, यानी अपर केस होता है उसको लोअर केस में करते हैं। तो अपर केस को लोअर में केस में करने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला ऑप्शन लोअर केस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 times सेलेक्ट, क्या होगा जब आप एमएस वर्ड कोई ओपन कर लेना, ठीक है, उसमें कुछ लिख देना, तो उससे क्या होता है जब 3 बार एक साथ सेलेक्ट करोगे ना, क्लिक करोगे, तो ये कोई एक सेंटेंस जो होगा एक लाइन का वो पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखो एक सेंटेंस की बात हो रही है तो ये सेंटेंस कहलाएगा, अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना एक वर्ड होता है पूरा पूरा। ख्याल रखना सेंटेंस की बात होती है तो हम माउस का डबल क्लिक करते हैं ना तब सेलेक्ट हो जाता है, अगर 3 बार माउस हम 3 बार क्लिक कर दें तो क्या होगा एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन F8 की बात करें हम
तो हम एक वर्ड की बात करेंगे। एक वर्ड में मान लो एक दो तीन चार जितने वर्ड लिखे गए ये पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ये पूरा पूरा एरिया। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन नंबर फोर नेक्स्ट। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल। इनमें से किस ऑप्शन के माध्यम से हम कॉपीराइट का सिंबल ऐड करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अल्ट कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे स्मॉलेस्ट, यानी जब एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट जो होता है साइज वो 11 होता है, और सबसे जो कम साइज होता है उसमें स्मॉलेस्ट 8 होता है, और सबसे बड़ी जो डिफॉल्ट साइज दिखती है वहां पे 72 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस कमांड इज। रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द की स्ट्रोक कंट्रोल आई इज यूज टू। देखो आई से क्या करते हैं हम लोग, आई फॉर इटैलिक होता है। तो यहाँ पे देखो आंसर लिखा इंक्रीज फॉन्ट साइज नहीं, इंसर्ट लाइन ब्रेक नहीं, इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी बोल्ड नहीं। इसको क्या यूज होगा, ये तो बोल्ड हो जाएगा सिंपल सा, बी फॉर बोल्ड। अप्लाई इटैलिक फॉर्मेट टू सेलेक्टेड टेक्स्ट, जी हाँ इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन। ठीक है, इनमें से क्या ऑप्शन है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, यहां पे दिया है कि सेव एज, सेव टैब ऑन ऑप्शन बॉक्स। इसमें जो ऑप्शन है ये भी सही हो सकता है, ठीक है ध्यान देना, और ये भी सही हो सकता है, और सेव एज डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ अबो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें रूलर स्क्रीन को शो नहीं कराता, तो टैप मतलब ये बात है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो जब हम पेज यूज करते हैं इनमें मार्जिन होता है। ठीक है, एक होता है लेफ्ट वाला, एक होता है राइट वाला, एक होता है टॉप और बॉटम होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है राइट इंडेंट, जो राइट इंडेंट होता है लेफ्ट इंडियन भी होता है, लेकिन टैप नहीं होता है, टॉप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, लिखा है 20 में विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए आप इनमें से क्या इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पे होता है, हम जब भी विंडो आर प्रेस करते हैं तो रन प्रॉम्प्ट आता है ना, तो वहां पे हम लिखते हैं विन वर्ड, मतलब विंडो वर्ड डॉट ई एक्स इस्तेमाल करते हैं। इसका एक्सटेंशन है, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सक्यूटिवल फाइल होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, वर्ड लिख करके सर्च करेंगे नहीं आएगा, एमएस वर्ड लिखेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, और वर्ड 2003 लिखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मतलब ये है इट कहने का कि जब भी हमें एमएस वर्ड स्टार्ट करना होता है हम लिखते हैं विन वर्ड। देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको लिख लेना, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ यू वॉन्ट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच फीचर विल यू यूज। इनमें से किस ऑप्शन के माध्यम से हम किसी भी ट्रैक को डिफरेंट एडिशन से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाता है, एडिशन भी होगा, वर्जन भी होगा, ट्रैक चेंजेस, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। इनमें से किस ऑप्शन के माध्यम से जब हम मान लो हमने बैकग्राउंड लिया है, बैकग्राउंड ये मेरे पास पेज है, इनमें मैंने कोई कलर दे दिया है, ठीक है मैं चाहता हूँ इसको जो प्रिंट कराना, तो जब इसको प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं ना, तो इसका जो बैकग्राउंड का पीछे कलर होता है वो नहीं दिखता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम किसी भी निश्चित पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन के माध्यम से, पेज के माध्यम से, देखो डॉक्यूमेंट के माध्यम से नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन होता है सेटिंग की बात हो रही है, तो हम पेज सेटअप के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
बॉर्डर कैन बी अप्लाइड, बॉर्डर किस चीज पे अप्लाई किया जा सकता है, किसी सेल पे, जी बिल्कुल, पैराग्राफ पे, टेक्स्ट पे, इन सब पे अप्लाई किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मार्जिन नहीं है। ठीक है, देखो लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें जो सेंटर ना, सेंटर नहीं होता है, इसका आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। तो जो हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं, तो उसका जो डिफॉल्ट मार्जिन होता है, जैसे अगर मार्जिन की बात कर रहे हैं ना, तो सुनो ध्यान से, आपने ये देखा होगा पेज, आपने नोटिस किया कोई कॉपी बुक देखा होगा, यहाँ एक लाइन खींची होती है, सॉरी यहाँ पे लाइन एकदम सीधा खींचा होता है यहाँ पर, और यहाँ पे गैपिंग होता है बीच में। ठीक है, आपने इसको नोटिस किया होगा अपने कॉपी पे। ठीक है, तो इसको मार्जिन बोलते हैं, यानी इसका जो साइज होगा, इसका सी आंसर सही होगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यूज होता है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं पेज ओरिएंटेशन के माध्यम से, हम किसी भी पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इफ यू नीड टू चेंज द फॉन्ट वर्ड आर स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, विच मेनू विल बी चूज, इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे जिसके माध्यम से फॉन्ट का जो स्टाइल होगा वो चेंज होगा। एडिट का इस्तेमाल करोगे, फॉर्मेट का, व्यू का, टूल का, तो हम जब भी इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ठीक है, नहीं जो पूछे तो उसको तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा करो। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बोल्ड है, हाँ, इटैलिक है, सुपर स्क्रिप्ट है, पता है सबको, लेकिन रेगुलर नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेगुलर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ है कई बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर क्लिपार्ट, इसमें जब हम इंसर्ट मेनू में जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और क्लिपार्ट पे क्लिक करेंगे, तो क्या ऑप्शन होता है। इट इंसर्ट अ क्लिपार्ट पिक्चर इनटू डॉक्यूमेंट, इट लेट्स टू चूज क्लिपार्ट टू इंसर्ट इनटू डॉक्यूमेंट, इट ओपन क्लिपार्ट टास्क पैन, जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा टास्क पैन बताता है। अब नोटिस किया होगा, देखो इतना जो बॉक्स होता है, ये राइट साइड में इतना बड़ा बॉक्स आता है यहाँ पर। ठीक है ना, ख्याल रखना इस बात का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटोफिट बिहेवियर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंसर्ट टेबल ऑटोफिट में नहीं शामिल किया गया है। देखो फिक्स कॉलम वेट हाँ कर सकते हैं, ऑटोफिट कंटेंट बिल्कुल, ऑटोफिट कॉलम कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम विंडो को फिट नहीं कर सकते, ख्याल रखना इस बात का। ठीक है, विंडो को बिल्कुल फिट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,